हे गाइस, मैं हूं धर्मिंद संगर। आप सभी का स्वागत करता हूं 27 गेम टेक के एक और नए ट्यूटोरियल वीडियो के ऊपर। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप मैप एडिटर या मेन्यू मोड की जो XML फाइल्स के जो मेंशंस या कुछ मैप्स होते हैं उसका वाई मैप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस, मेरे कई सब्सक्राइबर लोग ने मेरे को मैसेज किया और मेरे को कॉन्टेक्ट किया कि भाई वो दो तीन मेंशंस को एक साथ गेम के अंदर लोड करना चाहते हैं, बट मैप एडिटर जो है वो उनको एक फाइल लिमिट एक्सीडेड का एक मैसेज दे देता है, जिसकी वजह से उनके जो कुछ मैप्स होते हैं वो इजीली लोड नहीं हो सकते। तो गैस, आज मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। और गैस, मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये बेलर बिलियनर मेंशन, फिर ट्रेवर लॉग हाउस और हाई फील्ड मेंशन, इन तीनों मेंशंस को गाइस एक साथ उनको लोड करना है, बट गाइस फाइल लिमिट एक्सीड होने के कारण से उनकी सभी फाइल्स लोड नहीं हो रही। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं उसी का सॉल्यूशन लेके आया हुआ हूँ। बट गाइस, सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले गाइस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मेन चीज़ तो है कि भाई आपकी GTA पहले से मॉडर्न रहनी चाहिए। मॉडर्न इन द सेंस कि भाई आपकी GTA के अंदर ओपन फोर, फिर स्क्रिप्ट हुक, मेन्यू मोड, फिर अपना मैप बिल्डर हो गया, मैप एडिटर हो गया, मॉड्स फोल्डर हो गया, उसके बाद गया स्क्रिप्ट फोल्डर हो गया, इसके अंदर मैप एडिटर वो सब कुछ हो गया। उसके बाद अब गैस आपका GTA क्रैश ना हो उसके लिए गैस आपका गेम कॉन्फ़िग हो गया, पैक फाइल लिमिट एडजस्टर हो गया, हीप एडजस्टर हो गया, ये सब कुछ गैस इंस्टॉल रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपने वो सब कुछ इंस्टॉल नहीं किया तो डोंट वरी, मैं सभी के सभी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसके वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, तो उसकी वीडियोज़ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइज, मैप बिल्डर के साथ अभी एक छोटा सा सीन हुआ है कि मैप बिल्डर का जो डिस्कवरी वर्जन है वो अभी गाइज उन्होंने वेबसाइट पे से निकाल दिया है। तो गाइज, अगर आपको मैप बिल्डर का डिस्कवरी वर्जन चाहिए तो गाइज आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, उसके अंदर गाइज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें गाइज आपको नेसेसरी चाहिए आपको इन सभी मैप्स को रन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले गैस हम लोग डाउनलोड करेंगे मैप एडिटर एंड मेन्यू को वाई मैप में कन्वर्ट करके, तो हम लोग यहाँ से इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया है। ओके, अब आ रही है हम लोग बेलर बिलियन मेंशन का डाउनलोड, इसका भी गैस हम लोग लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करेंगे। तो ये हो गया गैस हमारा लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड। उसके बाद गैस हम लोग डाउनलोड करके ट्रेवल लॉग हाउस, तो उसको भी गैस हम लोग ट्रेवल लॉग हाउस का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे। एंड ट्रेवल का लॉग हाउस भी हो गया डाउनलोड। अब है गाइज हाई फील्ड मेंशन, उसका भी गाइज हम लोग लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे। अब हाई फील्ड मेंशन के अंदर गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके अंदर गाइज ऑलरेडी कुछ कुछ फाइल्स वाई मैप में ही है, सिर्फ एक ही फाइल है जो कि है XML फाइल। तो हम इस XML फाइल को हमें कन्वर्ट नहीं करना, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे ऑटो लोड मैप्स के अंदर। आपने आई गेस अभी तक ऑटो लोड मैप्स का आपने फोल्डर बना ही दिया होगा, अगर नहीं बनाया तो मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये गाइस हमारी सभी के सभी जो फाइल्स डाउनलोड थी वो सब कुछ सीन हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब बारी है हमारी इंस्टॉलेशन प्रोसेस की। तो सबसे पहले गाइस हम लोग फाइल्स को कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए गाइस हमको क्या चाहिए, ये जो मैप एडिटर टू वाई मैप का जिप फाइल है इसको हमें राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू उसका एक हम लोग फोल्डर बना देंगे, जिससे गाइस ये हमारा एक फोल्डर बन गया। अब हम इसकी जो ओरिजिनल RAR फाइल थी उसको हम डिलीट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक करके सारी फाइल्स को मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से ख्याल है। तो मैं इस विंडो को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग ट्रेवर लॉग हाउस जो है उसको हम लोग ओपन करेंगे, उसकी RAR फाइल को, और उसके अंदर से गाइस लॉग हाउस का फोल्डर ओपन करेंगे। एंड ये जो ट्रेवर डॉट XML है इसको पहले हम लोग बाहर एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसका काम हो गया, हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। हम लोग ओपन करेंगे ME2YM का फोल्डर, उसके अंदर ये जो EXE फाइल है इसको गाइस हमें ओपन करना है। इसको हम लोग साइड पे ले जाएंगे, इसको हम लोग बैक कर देंगे। ओके, अभी हम लोग को ME2YM के अंदर गाइस फाइल के ऊपर जाना है, इसके अंदर हमको गाइस ओपन के ऊपर जाना है। ओपन के ऊपर जाने के बाद गाइस जहाँ पे हमने ट्रेवर XML को एक्सट्रैक्ट किया है, ये देखो यहाँ पे ट्रेवर XML, इसको हमें ओपन करना है। और जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे यहाँ पे देख सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट्स आ गया, वाई कोऑर्डिनेट्स आ गया, जेड कोऑर्डिनेट्स, ये सब कुछ सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। हमको क्या करना है, फिर से फाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड हमको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, और हमको जहाँ पे चाहे वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। हम यहाँ पे इस फाइल को नाम दे देंगे ट्रेवर लॉग हाउस। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये देखो गाइज हमारा वाई मैप बन गया। अभी अगर हम चाहते हैं कि हमको ये XML को डिलीट करना है तो हम कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, बट अभी मैं इसको रहने दूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं ओपन करूंगा बेल एयर बिलियनर मेंशन की RAR को, इसको गाइज मैंने ओपन कर दिया।
इसके अंदर गाइस जो बेल एयर एक्सएमएल और ये जो वाटर डॉग एक्सएमएल है, इन दोनों फाइल को हमें सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है वापस से। इसको हम क्लोज कर सकते हैं, फिर यहाँ से फाइल को हम लोग को ओपन करना है। हम लोग सिलेक्ट करेंगे बेल एयर ओपन, उसके बाद गाइस हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे, फिर इसको नाम देखेंगे बेल एयर मेंशन, ठीक है। ये इसको सेव करेंगे, देखो ये गाइस यहाँ पे बेल एयर मेंशन का भी वही मैप बन गया। अब सेम फाइल सेम तरीके से गाइस हमको यहाँ पे वाटर का भी करना है, तो इसका भी मैं गाइस एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ, Water11 कर देता हूँ, जिससे गाइस नाम सेम नाम ना हो जाए, उसकी वजह से गाइस मैं थोड़ा सा अपने तरीके से रीनेम कर रहा हूँ। अब बारी है गाइस हाई फील्ड मेंशन की। तो गाइस हाई फील्ड मेंशन की, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हाई फील्ड मेंशन के अंदर भाई ऑलरेडी सभी की सभी फाइल्स ऑलरेडी वाई मैप में ही है, सिर्फ ये एक ही फाइल है जो वाई मैप में नहीं है। तो हम लोग क्या करूँगा, सबसे पहले ये सभी वाई मैप को मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, और अभी मैं ओपन करूँगा अपनी GTFI का डायरेक्टरी, जिसके अंदर गैस मैंने मैप बिल्डर ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है और मैप एडिटर भी ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर गैस हमें यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाना है, जिसका नाम देना है ऑटो लोड मैप्स, ठीक है, ऑटो लोड मैप्स देना है। क्या मैंने अच्छे से नाम दिया है ना, लेट मी जस्ट वेरीफाई, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद ऑटो लोड मैप्स बना रहा हूँ, तो लेट मी जस्ट चेक इट आउट कि भाई मैंने अच्छे से नाम तो दिया है ना, ठीक है। ऑटो लोड मैप जिसके अंदर एल कैपिटल स्मॉल ये सब कुछ तो नहीं है ना, ठीक है, एल स्मॉल है, ठीक है, ऑटो लोड मैप्स के अंदर, ठीक है। मैं अपनी गलती थोड़ी भाई कर लेता हूँ कि बहुत टाइम के बाद में भी ये ऑटो लोड मैप कर रहा हूँ, बाकी मैं ऑटो लोड नहीं करता कोई भी मैप, मैं मैन्युअली लोड करता हूँ। ऑटो लोड मैप के अंदर ये व्हीकल्स हाइट को XML को हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। अब बारी है गाइस ओपन IV, ठीक है, इन सभी RARs को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे गाइस एक बाजू में ओपन कर देता हूँ, मैंने सारे के सारे जो मैप्स हैं मेरे वो मैं ओपन कर देता हूँ, और इस बाजू गाइस मैं ओपन करता हूँ मेरा OpenIV, सॉरी OpenIV। और जब तक OpenIV ओपन होता है, मैं जो सारे बिन जरूरी के जो XML फाइल्स हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं इन सभी चीज़ों की। लॉग हाउस का भी, RAR की भी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, तो बाद में देख लेंगे, बैरल की भी मेरे को जरूरत नहीं है। ओके, अब हमको क्या करना है, एडिट मोड ऑन करना है ओपन आईवी ओपन करने के बाद। उसके बाद हमको जाना है मॉड्स फोल्डर, अपडेट X64 DLC पैक्स। और गैस अगर आपने मैप बिल्डर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसके अंदर गैस हमको कस्टम मैप्स के अंदर जाना है, DLC RPF X64 लेवल्स GTA 5 CTE मैप्स कस्टम मैप्स .RPF, और उसके अंदर गैस आपको मरीना दिख रहा होगा, तो हमको क्या करना है, एयरपोर्ट वाई मैप, फिर ये बेलर मेंशन का वाई मैप .XML आ गया, फ्लावर हाइट, जाहोटी, ला लकी लकी या वट एवर जो होगा गैस, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गैस दिक्कत होगा, बट एनीवे यहाँ पे ट्रेवल लॉग हाउस भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ये वाटर और ये सभी वाई मैप्स को यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। ये देखो गैस यहाँ पे बेलर मेंशन का वाई मैप ये इंस्टॉल कर रहा है, और ये गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमारे सारे के सारे वाई मैप्स इंस्टॉल हो चुके हैं। देखो बेलर मेंशन हो गया, ये बेलर मेंशन का वाटर हो गया, ये ट्रेवल का लॉग हाउस हो गया, और ये गाइस हो गया हमारा वाई हाई हाई फील्ड मेंशन या क्या कहते हैं वो हो गया। तो गाइस हमारे यहाँ पे सभी के सभी मैप्स इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी मैं जाऊँगा अपनी GTA 5 के अंदर, और देखते हैं कि क्या मेरी सभी के सभी जो मैप्स मैंने इंस्टॉल किया वो लोड हो रहा है या नहीं। सो गाइज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं आ चुका हूँ, या गाइज यहाँ पे मैप एडिटर ने ऑटो लोड मैप्स के अंदर व्हीकल्स को इंस्टॉल कर दिया है। एंड मैं अभी गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं ट्रेवल के एरिया में, आई गेस आपको शांति से दिख नहीं रहा होगा, तो एक काम करता हूँ फटाफट से ना मैं ये पूरे मैप को क्लियर कर देता हूँ, जिससे मेरा पूरा मैप अनलॉक हो जाए, ठीक है। तो ये देखो गाइज मैं GTA का पूरा मैप अनलॉक हो चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेवल का हाउस हमको गाइज यहाँ पे मिलेगा। तो गाइज जैसे ही मैं पीछे मुड़ूंगा, ये आ गया गाइस ट्रेवल का लॉग हाउस, जैसे कि गाइस जैसे हमने लोड किया है वैसे ही गाइस यहाँ पे ट्रेवल का लॉग हाउस आ चुका है। एज यू कैन सी गाइस ट्रेवल का यहाँ पे घर है, छोटा सा लॉग हाउस, और ये उसका गाइस यहाँ पे, तो ट्रेवल का लॉग हाउस गाइस हमारा चल रहा है सक्सेसफुली। अब हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा मेंशन जो है, हम लोग जाएंगे बेल एयर मेंशन की तरफ। तो बेल एयर मेंशन की जो लोकेशन है गाइस वो है यहाँ पे, ये जो ऑब्जर्वेटरी आपको दिख रही है गाइस बेलर मेंशन का लोकेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेन्यू मोड की मदद से गाइस मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ, और जैसे ही गाइस मैं टेलीपोर्ट हो जाऊंगा गाइस ये रहा गाइस अपना बेल एयर मेंशन,
और ये गाइस ये मेंशन भी हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइस लोड हो चुका है। और ये गाइस देखो ये मेंशन का फाउंटेन्स भी चल रहा है गाइस, और एज यू कैन सी सभी की सभी चीज़ें गाइस यहाँ पे हमारी चल रही है। तो गाइस इसकी मदद से गाइस यू कैन आप कितने सारे मैप्स आप सिर्फ इस मेंशन की मदद से लोड कर सकते हो। तो ये गाइस हमारा बेल एयर मेंशन भी गाइस यहाँ पे हमारा लोड हो चुका है। ओके बेल एयर मेंशन तो हमारा लोड हो चुका है। और गाइस देख सकते हो आप, अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हो मैं, तो आप यहाँ पे देखो मैं मैप के ऊपर चल भी रहा हूँ। ये देखो गाइस हम लोग चल भी सकते हैं इस पूरे मेंशन के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको थोड़ा सा अंदर घूम के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो गाइस बेलर मेंशन के अंदर मैं यहाँ पे अंदर घूम रहा हूँ। एज यू कैन सी गाइस मैं नीचे ज़मीन के अंदर नहीं गिर रहा। तो ये भी गाइस हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली चल रहा है। अब बारी है गाइस हमारे लास्ट मेंशन की। तो लास्ट मेंशन की जो हमारी लोकेशन है वो है गाइस यहाँ पे, जो कि अपना हाई फील्ड मेंशन। आई थिंक यही पे है इसका लोकेशन, या आई थिंक यहाँ पे है। एक मैंने काफ़ी टाइम से मैंने उस लोकेशन पे नहीं गया। तो लेट ओ व्हीकल स्पॉनर नहीं, सॉरी सॉरी मैं व्हीकल में कहाँ घुस गया भाई। ओके तो गाइज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अगर गाइज अपना हाई फील्ड मेंशन कहाँ पे होगा, ओ गाइज आई थिंक सो वही है अपना हाई फील्ड मेंशन, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके मेरे कुछ व्हीकल, ओ मेरा प्लेन ही नीचे गिर गया, बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं गाइज, क्योंकि यहाँ पे गाइज देख सकते हो मेरा हाई फील्ड मेंशन यहाँ पे लोड हो चुका है। मेरा गाइज एक प्लेन गिर गया पता नहीं क्यों, बट गाइज हाई फील्ड मेंशन तो मेरे यहाँ पे लोड हुआ है। और आई थिंक ये ऐसा ही दिखता होगा, पानी नहीं चलता आई थिंक। हाँ उसने बोला था कि पानी नहीं चलता, क्योंकि पानी सिर्फ शोकेस के लिए उसने रखा। ओके भाई भाई ओके ओके गाइस ओके। तो गाइस ये है मेरा हाई फील्ड मेंशन, बट मैं यहाँ से कैसे जाऊँ गेट के अंदर, आई थिंक सो। हाँ ये ओके तो ये है गाइस हाई फील्ड मेंशन मेरा, जैसे कि हमने व्हीकल्स को सेट किया था। व्हीकल्स भी वैसे के वैसे ये गेट खुल रहा है। ओके ये गेट भी खुल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कुछ व्हीकल्स भी रखे हुए हैं, बुगाटी बुगाटी भाई जो चाहो वो रखा हुआ है हाई फील्ड मेंशन के ऊपर। ऊपर चल के देखते हैं भाई ऊपर का क्या सीन है। तो गाइस यहाँ पे मैं ऊपर आऊँगा, इसका दरवाज़ा यही है ना भाई। मैंने हाई फील्ड मेंशन का काफ़ी टाइम हो गया, मैंने यही ऊपर चढ़ने का रास्ता क्यों दिया अगर दरवाज़ा यहाँ से नहीं खुलता। आई थिंक कुछ तो दरवाज़ा होगा यहाँ से, यहाँ पे इन्होंने रास्ता दिया हुआ है। कोई बात नहीं मैं यहाँ से देख लेता हूँ। एनीवे मेरे पास तो मेन्यू मोड है, तो मैं भाई आराम से घूम सकता हूँ। मेरे पूरा ओ मेरा बॉडी गार्ड भी है यहाँ पे। ओके यहाँ पे कुछ दिखा रहा है मार्कर मेरे को। ओके तो गैस मैं यहाँ पे गैरेज के अंदर वापस से आ चुका हूँ। ओके मैं फिर से ऊपर जाता हूँ, ठीक है। मेरे को ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना। ओके तो ओ माई गॉड ये देखो गैस ये है मेरा भाई। मैं सच बोलूँ ना हाई फील्ड मेंशन मैंने इतना ज़्यादा नहीं खेला, तो इसलिए भाई इसमें अभी घूम रहा हूँ थोड़ा बहुत। ये देखो भाई कैश की गड्डी रखी हुई है। तो इतना गाइज हमने इंस्टॉल किया जिससे आपको पता चल ही गया कि भाई हमारी जो सारी की सारी जो फाइल्स है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं, हमारे सारे के सारे मेंशन सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। तो इसकी गाइज, और जैसे कि आपने देखा गाइज हमको ज़रा सा भी मैसेज नहीं आया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट लिमिट जो था वो ओवरलोड हो चुका है या लिमिट एक्सीड हो चुका है, क्योंकि भाई हमारे सभी के सभी मैप्स इजिली वर्क कर रहे हैं। तो गाइज अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हम लोग 500 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ गाइज मैं आपको सॉल्यूशंस लाते रहूंगा आपके प्रॉब्लम्स को, और नए नए मॉड के इंस्टॉलेशंस लाता रहूंगा। और गाइज एक चीज मैं अनाउंस कर देना चाहता हूँ कि बहुत ही स्पेशल वीडियो आ रहा है। लाइक अगर आप कार गेम्स या रेसिंग गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड हो पीसी के अंदर, तो उसके लिए गाइज मैं बहुत बढ़िया आपके लिए एक छोटा सा जुगाड़ू लाने वाला हूँ। तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है उस वीडियो के अंदर भी, और वीडियो है वो पूरा अलग एक्सपीरियंस वाला वीडियो होगा, ठीक है। वो पूरा DIY प्रोजेक्ट में करने वाला हूँ, डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट वाला मैं करने वाला हूँ वो वीडियो। वो मैं आपको स्पॉइलर दे दिया। तो गाइस 27 गेम टेक में बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी है, तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।